ये तस्वीरें आपको चौंका जरूर रही होंगी, लेकिन ऐसा आए दिन यहाँ होता है। स्कूल में गंदगी के चलते बच्चियों को खुद ही अपने बैठने की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके चलते वो हर रोज झाड़ू लेकर साफ सफाई करती हैं। सेठ बिहारी लाल स्कूल की तस्वीर हैरान करने वाली है और जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामले पर सफाई देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि जिले के तमाम विद्यालयों में चपरासियों की व्यवस्था है, ऐसे में बच्चियों के द्वारा झाड़ू लगाने की घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मामले पर उन्होंने जांच का आश्वासन दिया। मेरे संज्ञान में जो मामला आया उसमें हमने देखा कि वो उत्कृष्ट विद्यालय हनमना का मामला है, तो इसमें जो बच्ची झाड़ू लगाते हुए दिख रही है ये आपत्तिजनक है। स्कूलों में सफाई कर्मचारी होते हैं, चपरासी होते हैं, साफ सफाई उनसे कराना चाहिए प्रिंसिपल को। यदि इस तरह की घटनाएं स्कूलों में होंगी, बच्चों को पढ़ाई के स्थान पर उनके झाड़ू लगवाया जाएगा, तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और अब हम ये जरूर इसमें जांच करवाएंगे कि मतलब कि अपनी इच्छा से ऐसा वहाँ मतलब बच्चियाँ कर रही थी कि अभी मतलब प्रिंसिपल के द्वारा या वहाँ के स्टाफ के द्वारा उनको इस तरह से दबाव बना करके सफाई कराया जा रहा था। नहीं, उसमें जैसे उसको वीडियो को देखने से मुझे हल्का सा ये साबित हो रहा था कि वो बगल में वो जहाँ पर बैठी हैं वहीं पर वो इधर उधर का कचरा हटा रही हैं। अब वो झाड़ू जरूर हमें दिखा उसमें वीडियो में, यदि मतलब उसको देख लेंगे हम, वीडियो को स्पष्ट रूप से देखेंगे और हम विधिवत जाँच कराएंगे, और जाँच कराने पर यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, रीवा जिले में इसके पहले भी कई तरह के वीडियो वायरल हुए, कई बार बच्चों से पानी बुलवाया जाता है, कहीं झाड़ू लगवा देते, कहीं टॉयलेट साफ करवाई जाती है। इसके पहले भी आपने कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन नहीं, मैंने देखिए मैंने जांच दल गठित कर दिया है। अब मैं देखता हूँ कौन कौन से जांच दलों की रिपोर्ट आ गई, क्योंकि जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक उसमें हम कोई कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। तो विद्यालय के हाल है तो अन्य विद्यालयों के हाल बिल्कुल आपत्तिजनक है। इस तरह की बातें किसी भी विद्यालय के लिए बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यदि वहाँ गंदगी रही तभी तो लड़की ने, आप मान लीजिए झाड़ू अपने से इधर उधर किया कचड़ा, तो ये सफाई कराना, क्योंकि हायर सेकेंडरी विद्यालयों में तो हर जगह चपरासी हैं, सफाई करना उनका काम है, और यदि सफाई इस तरह से नहीं की जा रही है तो ये प्रिंसिपल की संस्था प्रमुख की लापरवाही है। प्रिंसिपल को निलंबित किया जाएगा? अब प्रिंसिपल को इसके खिलाफ कार्यवाही तो करेंगे हम, जो भी विधिसंगत कार्यवाही होगी। बहरहाल सरकार की सर्व शिक्षा अभियान के साथ ही सब पढ़े सब बढ़े योजना की पोल खोलती ये तस्वीर जिले के हनुमाना विकासखंड क्षेत्र के सेठ बिहारी लाल विद्यालय से सामने आई। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए। वही विभागीय अधिकारी गोलमोल जवाब देते हुए भी मामले से कन्नी काट रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।